तो वेलकम बैक टू माई चैनल यूनाइट फॉर नॉलेज आर टूडेज टॉपिक इज़ कॉक्रोच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम एवरीथिंग अबाउट कॉकरोच बट बिफोर दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर मैथेमेटिक्स कॉन्सेप्ट एंड मैथेमेटिक्स लेक्चर्स यू कैन गो टू द चैनल अमित कॉन्सेप्ट एजुकेशन द लिंक विल भी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन यू मस्ट गो एंड वॉच तो आइए स्टार्ट करते हैं द काक्रोच सो द कॉकरोच अगर मैं कॉमनिस्ट जेनेरा की बात करूँ वी आर हैविंग पेरी प्लानेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम एंड ब्लाटा ऑरियन अगर मैं पेरी प्लानेटा अमेरिका की बात करूँ तो इट इज द नेटिव ऑफ अमेरिका अमेरिका से है इट हैव ब्राउन कलर्ड एंड बॉडी विद विंग्स ब्राउन कलर होता है और बॉडी होती है विंग्स के साथ वहीं अगर मैं ब्लाटा ओरिएंटलिस की बात करूं, इट इज नेटिव ऑफ एशिया हैव डार्क ग्रे कलर्ड विंग्स सॉरी, इट इज डार्क ग्रे कलर्ड एंड इज विंगलेस। सो पेरी प्लान अमेरिकाना आर ब्राउन हैव विंग्स एंड नेटिव ऑफ अमेरिका ब्लाटा ओरिएंटलिस टेलिस आर द नेटिव ऑफ एशिया डार्क ग्रेन कलर एंड आर विंगलेस ओके तो नेक्स्ट अगर मैं कॉकरोच के बारे में बात करूं सो दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स यानी कि ये रात को ही निकलते हैं रात को ही दिखते हैं ओमनीवोरस यानी कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोथ हर्बिबोरस कार्निवोरस बोथ दे ऑल्सो शो कैनाबिलिज़्म वट इज़ कैनाबिलिज्म यानी कि कई बार क्या होता है कॉकरोच अपने ही स्पीशीज़ के अगर कोई अपनी स्पीशीज़ का कॉकरोच मर गया है तो उसी को खा लेगा राइट right? टाइम ऐसा हो कि उसको खाना ना मिले तो वो उसको भी खा लेगा कोई संकोच नहीं है उसे उसे खाने में राइट right? तो इट शोज कैना आगे अगर हम बात करें तो इट शो करसोलियल सोलियल अडेप्टशन इसका मतलब क्या है ये फास्ट रनिंग करते हैं बहुत तेज़ भागते हैं एंड दे हैव एक्सटर्नल सेगमेंटेशन डिवाइडेड इंटू हेड थॉरक्स एंड एबडामन अगर अब मैं हेड थोरेक्स और एबडामन की बात करूँ तो हेड हैव सिक्स सेगमेंट्स इन इट थोरेक्स हैव थ्री सेगमेंट्स इन इट एंड एबडामन हैव टेन सेगमेंट्स इन इट देन अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ कॉकरोच की तो द साइज ऑफ कॉकरोच कैन वेरी फ्रॉम वन फोर्थ टू थ्री इंचज वन फोर्थ से लेकर तीन इंच लंबा कॉकरोच हो सकता है एंड द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कनेक्टेड टू द बॉडी बाय सॉफ्ट नेक इन हाइपोगेनेथस कंडीशन अभी इसका मतलब क्या है हाइपोगेनेथस का हाइपोगेनेथस मतलब अगर ये बॉडी है ये हेड है तो उसका गनेथा यानी कि माउथ नीचे की तरफ होगा हाइपो मीन्स नीचे सो इफ दिस इज द बॉडी दिस इज द हेड इट इज जॉइंट विद द बॉडी थ्रू अ नेक एंड हैव हाइपोग कंडीशन हाइपोग कंडीशन हाइपोग कंडीशन मीन्स माउथ जो है उसका नीचे की तरफ है राइट right. नेक्स्ट हम चलते हैं सो हेयर वी आर हैविंग अ गुड डाइग्राम अगर मैं बात करूँ ये हेड है द हेड हैव वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई एक इधर एक दूसरी साइड अपोजिट साइड पर कंपाउंड आई का एक पेयर होता है फॉर मोजाइक विजन राइट मोजाइक विजन क्या होता है इफ़ यू सी हाउस फ्लाई मक्खी उसकी आंखें भी जैसी होती हैं उसी तरीके से इसकी आंखें होती हैं और मोजाइक विजन दिखता है उसमें वन पेयर ऑफ ओसिलाई और फेनेस्ट्रा आर प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट एज फोटो रिसेप्टर्स इनमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं दे डिटेक्ट लाइट दे सेंस लाइट राइट एंड अ पेयर ऑफ एंटीना आर प्रेजेंट विच आर ज्वाइन टू द हेड थ्रू एंटीनल सॉकेट एंटीनल सॉकेट से एंटीना निकलता है एंड एंटीना इज प्रेजेंट एंड सेंस फॉर टच टेम्परेचर एंड स्मेलिंग स्मेलिंग भी यहीं से होती है देन अगर मैं बात करूँ इसके माउथ की द माउथ हैव यहाँ पर टर्मिनल हेड है और माउथ जो है प्रेजेंट है हाइपोगनेथस कंडीशन में ये हेड है तो नीचे की तरफ हाइपोगनेथस कंडीशन में प्रेजेंट है और इसके ये सारे माउथ पार्ट्स दिख रहे हैं मुझे राइट अगर मैं इन माउथ पार्ट्स की बात करूँ दीज माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड चूइंग हैबिट यानी कि ये बाइट कर सकते हैं एंड दे आर मेड फॉर चूइंग द फूड इसमें लेब्रम अपर लिप लेबियम लोअर लिप मैंडिबल द जॉज हाइपोफेरिंग्स द टंग एंड मैग्जिला आर प्रेजेंट फॉर होल्डिंग फूड तो ये फूड होल्डिंग ऑर्गन है मैग्जिला बाकी की ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ देन हेड के बाद इसका आ जाता है थोरेक्स इट हैव थोरेक्स विच इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स द थोरैक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री सेगमेंट्स विच आर प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरेक्स हर थोरैक्स में से एक पेयर ऑफ जॉइंट वॉकिंग लेग्स अराइज होती है ठीक है मैंने ये ऐसे ही बनाया लेग का भी पूरा स्ट्रक्चर अभी मैं दिखाने वाली हूँ ये हमारी वॉकिंग लेग्स जॉइंट हैं बीच में से जुड़ी हुई हैं राइट right, हर थोरैक्स के पार्ट से एक एक पेयर ऑफ जॉइंट वॉकिंग लेग्स अराइज करता है अभी इसी लेग का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ सो हेयर वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉइंट लेग्स अगर मैं इसमें बात करूँ सबसे पहले कॉक्सा विच इज़ द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ दी लेग देन कम्स द ट्रेकेंटर या ट्रोकेंटर दिस पार्ट देन कम्स द फीमर पार्ट देन द टीबिया पार्ट विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट प्रजेंट इन द लेग ऑफ द काक्रोच वॉकिंग लेग देन कम्स द टारसस ये टार्सस पार्ट है हमारा पूरा जिसमें पाँच टॉर्सो मर्स दिखेंगे राइट right. और लास्ट टॉर्सो मर को हम बोलते हैं प्री टारसस विच हैव क्लॉज फॉर एडहेशन यानी कि अगर इन्हें स्मूथ सर्फेस पे भी चलना होगा तो ये चल सकते हैं वाई बिकॉज दे हैव प्री टारसस जो ग्रिप बना के रखता है एडहेसिव पार्ट को कंप्लीट करता है यानी कि चिप चिपक जाएगा जहाँ पे भी चल रहा है राइट सो इसके लेग में कॉक्सा ट्रोकेंटर, फीमर टिबिया दिस दिस पार्ट टार्सस कंटेनिंग फाइव टॉर्सोमियर्स एंड द लास्ट टॉर्सोमियर इज नोन एज प्री टार्सस नाउ लेट इज मूव फर्दर तो वापस आ जाते हैं हम थोरैकिक रीजन पे जो तो जो हमारे थे प्री थोरेकिक मिजोथोरेकिक एंड मेटाथोरेकिक रीजन्स नाउ लेटस टॉक अबाउट विंग्स तो सबसे पहले तो मीजोथोरेक्स से विंग्स अराइज करते हैं जो मीजोथोरेक्स से विंग्स अराइज करते हैं दे आर ओपेक ओपेक मीन्स जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता तो ये ओपेक होते हैं थिक होते हैं और लेदरी होते हैं वाई बिकॉज दे कवर द बॉडी ऑफ द काक्रच एंड आर नाट मेंट फॉर फ्लाइंग उड़ने के लिए नहीं बने ये राइट right, जो मीज़ोथोरेक्स से विंग्स निकल रहे हैं दे आर ओपेक लेदरी थिक एंड दे आर कवरिंग द बॉडी ऑफ द कॉकरोच बट आर नॉट मेंट फॉर फ्लाइंग राइट सो दे आर कॉल्ड दे उनका नाम क्या है टैगमिना और एलेट्रा ओके okay, तो ये हो गया हमारा विंग्स फ्रॉम द मीजोथोरैक्स अब अगर मैं मेटाथोरेक्स की बात करूं द विंग्स आर राइजिंग फ्रॉम द मेटाथोरैक्स आर थे एंड मेमब्रेनस मेड अप ऑफ मेम्बरेन एंड दे आर यूज इन फ्लाइंग तो ये यूज होते हैं फ्लाइंग के लिए उड़ने के लिए यूज होते हैं नाउ लेटस कम टू द एबडोमन ये पार्ट हमारा हो गया थॉरैक्स वाला लेटस कम टू द एबडोमन तो अगर मैं एबडामन की बात करूँ तो एबडोमन में टेन सेगमेंट्स होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टेन सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड है मेल कॉकरोच में लास्ट सेगमेंट पर एनल सरकाई एंड एनल स्टाइल आर प्रेजेंट बट इन फीमेल कॉकरोच दीज एनल स्टाइल आर एबसेंट बट एनल सरकाई आर प्रेजेंट तो एनल सरकाई जो है बोथ में प्रेजेंट होते हैं मेल में भी फीमेल में भी बट एनल स्टाइल आर ओनली प्रेजेंट इन मेल्स तो ये डिफरेंशियल फीचर हो जाएगा एक तरीके से प्लस एट द टर्मिनल एंड ऑफ द एबडामन एक जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है राइट देन द एक्सोस्केलेटन ऑफ दी कॉकरोच। कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन होता है राइट right. एक्सोस्केलेटन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है इट इज कम्पोज ऑफ स्मॉल प्लेट्स ऑफ काइटिन काइटिन यानी कि एक हार्ड शुगर है काइटिन इज अ फॉर्म ऑफ हार्ड शुगर जिससे इसका एग्जोस्केलेटन बना हुआ है और उसको हम बोलते हैं स्क्लेराइट्स द एग्जोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच मेड अप ऑफ काइटेन इज नोन एज स्क्लराइट राइट ये हो गया एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर ठीक है ये एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है विच आर नोन एज आर्थरोडियल मेंब्रेन आर्थरोडियल मेंब्रेन नाउ लेट एस मूव फर्दर अगर मैं एग्जोस्केलेटन की बात करूँ सो द एग्जोस्केलेटन ऑफ द कॉकरोच शेड ऑफ एट सम इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने आप अपनी एक लेयर उतार देता है जिसको मोल्टिंग कहते हैं एम ओ यू एल टी आई एन जी मोल्टिंग राइट टाइम टू टाइम द कॉकरोच चेंजेज इट्स स्किन, द एग्जोस्केलेटन विच इज नोन एज मोल्टिंग ऑल्सो जो हेड पार्ट है कॉकरोच का हेड पार्ट है उसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है विच इज इन द शेप ऑफ टेंट तो इसको नाम दे देते हैं द एंडोस्केलेटन अभी एग्जोस्केलेटन की बात चल रही थी ध्यान दें एक्जोस्केलेटन स्क्लेराइट्स होता है काइटिन से बना होता है बट एंडोस्केलेटन इज ओनली प्रेजेंट इन द हेड एंड इट इज इन द शेप ऑफ टेंट सो नेम्ड एज टेंटोरियम टेंटोरियम राइट नाउ अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं नाउ लेट अस कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना हुआ है इफ़ वी कैन सी देख लेते हैं एक बार इसे देर इज़ द हेड कंपाउंड आई ब्रेन एक्चुअली दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ पर हेड है उसके बाद माउथ से जो है खाना खा लिया है कॉकरोच ने देन देयर इज प्रेजेंट अ सलाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स विच विल प्रोड्यूस सलाइवा फेरिंग्स देन अ अटूबलाइट स्ट्रक्चर नोन एज ईसोफेगस एंड देन क्रॉप क्रॉप में क्या होता है क्रॉप में फूड स्टोर हो जाता है दैन कम्स द गिज़र्ड अगर गिजर्ड याद है अर्थवॉम में मैंने पढ़ाया था अगर मैं गिजर्ड को देखूँ तो उसमें काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को ग्राइंड करेंगे जी फॉर गिजर्ड एंड जी फॉन्ड जी फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड सो गिजर्ड इज़ द ग्राइंडिंग ऑर्गन राइट तो क्रॉप में आके फूड स्टोर हो जाता है गिजर्ड में जाता है ग्राइंड होने के लिए देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कार्डिया राइट इसमें कार्डिया में एक सिक्रीशन uh, प्रोड्यूस होती है जो क्या करती है जो फूड है उसके आसपास एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है विच इज़ नोन एज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन यानी कि फूड के आसपास एक मेम्ब्रेन बना देगा जिसको कहते हैं पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन अब अगर मैं इस पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन की बात करूँ तो इट इज़ परमिएबल फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो फूड इसके अंदर है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स घुसता जाएगा और डाइजेशन होती जाएगी राइट देन कम्स द हिपैटिक्स सी के विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे आर सिक्स टू एट इन नंबर दिस हिपैटिक्स सी के आर प्रेजेंट विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स राइट ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन को पार करते हुए क्रॉस करते हुए अंदर तक जाते हैं फूड को डाइजेस्ट करवाते हैं देन कम्स द द फूड कम्स इन टू द मिडगट और मीजेंटरॉन वेयर डाइजेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्बशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस पूरा फूड यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा देन ये आगे बढ़ेगा फूड हेयर कम्स द मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स देर आर हंड्रेड टू वन फिफ्टी मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स ये क्या करते हैं दीज आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन तो अगर मैं इधर ही एक्सक्रीशन भी बताऊँ इसके बाद बताती हूँ मैं ठीक है तो मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट देन कम्स द इलियम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इलियम इसमें ये कांटे जैसे कुछ प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्पाइंस राइट स्पाइंस आर प्रेजेंट विच विल टीयर द पेरी ट्रॉफिक मेमब्रेन राइट अभी हुआ क्या यहाँ से खाना आ रहा है फूड आया सलाइवा फेरिंग्स ईसोफेगस में आया क्रॉप में आया स्टोर हुआ गिजर्ड में ग्राइंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड हुआ दैन कम्स टू द कार्डिया पार्ट फूड कार्डिया में आया उस पर एक कवरिंग बन गई जिसको हम बोलते हैं पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है पेनीट्रेट कर सकते हैं घुस सकते हैं हिपेटिक सी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएंगे जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन को पार करते हुए फूड तक पहुँचेंगे खाने को डाइजेस्ट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में इन द मिडगट फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा आगे बढ़ेगा इलियम में आएगा इलियम में जो स्पाइंस हैं वो टीयर करेंगे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन को और उस पेरिट्रोफिक मेमब्रेन के अंदर अब जो बचा है ना वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल है राइट right, तो यहाँ से वो टियर हो जाएगी डिजोल्व हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी डिजेनरेट हो जाएगी जो स्पाइंस ऑफ इलियम है, ये पूरी पेरी मेम्ब्रेन को एब्जॉर्ब डिजोल्व कर देंगे हटा देंगे डिजेनरेट कर देंगे देन द फूड दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू फीकल मैटर इज़ देन स्टोर्ड इन टू द रेक्टम एंड पासड आउट थ्रू द एनस राइट सो दिस वॉज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द काक्रोच अब अगर मैं आगे बात करूँ लेटस कम टू द एक्सक्रीशन पार्ट ऑफ द काक्रोच तो एक्सक्रीशन में मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट राइट अगर मैं इसके एपिथीलियम की बात करूँ मेलफीजियन ट्यूब्यूल को अगर मैं खोल के देखूँ तो इसका जो एपीथीलियम है वो कैसा होगा ग्लैंडुलर एपिथीलियम विद सीलिएटेड सेल्स सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जिसपे सीलिया प्रेजेंट हो राइट right? देन द मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट ये पहले वाला मिडगट है और इसके बाद वाला सारा हाइंड गट है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है दीज मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं ये हीमोलिम्फ में से कॉकरोच में ब्लड नहीं होता कॉकरोच में जो होता है उसे बोलते हैं हीमोलिम्फ तो हीमोलिम्फ में से सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट एब्जॉर्ब करके यहाँ पर डाल देंगे रिलीज इन् टू द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द काक्रोच देन द एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई द हैंडगट आगे आएगा हैंडगट में सारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वॉटर पूरा का पूरा वापिस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड द सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड ये आ बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है विच इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच सो कॉक्रोच आर यूरिकोटेलिक इन नेचर जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक तो कॉकरोचेज आर यूरिकोटेलिक इन नेचर राइट अब अगर मैं मेलफीजियन ट्यूब्यूस के बारे में बात कर ली है मैंने इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दो और चीज़ें हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं एंड दोज आर नेफ्रोसाइट्स एंड फैट बॉडीज तो नेफ्रोसाइट्स और फैट बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नेफ्रोसाइट्स आर फाउंड अरेंज ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट अभी हार्ट वाला सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले हार्ट के चारों तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नोन एज नेफ्रोसाइट्स हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑल्सो द फैट बॉडीज ये क्या करते हैं ये हमेशा यूरिक एसिड फॉर्म करती हैं प्रोड्यूस करती है और उसको स्टोर करती है राइट यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी मटीरियल है ऑफ द कॉकरोच तो ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं तो मेल कॉकरोच अगर मैं मेल कॉकरोच की बात करूं तो मेल कॉकरोच में एक और चीज होती है एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज यूरिकोज ग्लैंड यूरिकोज ग्लैंड विच आर आल्सो हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन प्रेजेंट ऑन द पेरीफ्री ऑफ मशरूम ग्लैंड अभी हम पढ़ेंगे इसको याद रखना जब डायग्राम दिखाऊँगे तो ये चीज़ दोबारा याद आनी चाहिए आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड होता है मशरूम ग्लैंड उसके ही पास में प्रेजेंट है ये यूरिकोज ग्लैंड विच विल हेल्प इन एक्सक्रीशन राइट क्या करते हैं ये दे सिंथसाइज यूरिक एसिड ऑब्वियसली यूरिक एसिड इज द एक्सक्रीटरी मटीरियल ऑफ द काक्रोच तो यूरिक एसिड बाहर एक्सक्रीट आउट होगा तो एक तरीके से इसने भी एक्सक्रीशन में हेल्प की नाउ लेटेस्ट कम टू द रेस्पिरेशन ऑफ द काक्रोच अभी रेस्पिरेशन में क्या होता है पहले तो मैंने एक ये बॉडी बनाई है कॉकरोच की ये डोरसल सर्फेस है ऊपर वाला सर्फेस को डोरसल सर्फेस बोलते हैं एंड हेयर इज द वेंट्रल सर्फेस जो नीचे वाला सर्फेस है बॉडी का उसको वेंट्रल सर्फेस बोलते हैं सो ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द बॉडी टेन पेयर ऑफ स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज स्पाइरेकल्स विच हेल्प इन रेस्पिरीशन कॉकरोच की रेस्पिरेशन में हेल्प करता है जिसमें से दो पेयर थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं और एट पेयर एबडोमन रीजन में एवडोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं तो ये जो स्पारेकल्स हैं दीज ओपनिंग्स जो छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं इसको स्पायरेकल बोलते हैं और इसके आसपास होते हैं सेंसरी हेयर छोटे छोटे हेयर होंगे ये प्रेजेंट होते हैं वाई टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जैसे हमारी नोज होती है हमारी नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हेयर प्रेजेंट है वाई टू प्रोटेक्ट द डस्ट पार्टिकल्स बाहर की तरफ ही रखेंगे डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देंगे बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए राइट तो यहां पर भी सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स राइट देन द स्पाइरेकल्स दीज स्मॉल होल्स आर गार्डेड बाय वॉल्स एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट थोरैकिक एंड फर्स्ट एबडोमिनल स्पाइरेकल बाकी के स्पाइरेकल्स में वॉल्व होती है वॉल्व क्या होती है जैसे मैंने बताया था टैप एक टैप है जिसको खोलोगे तो पानी आएगा बंद करोगे तो नहीं आएगा यानी कि एक बैरियर की तरह काम करेगा वॉल्व मतलब टैप ये वॉल्व खुलेगी तो हवा अंदर जाएगी एयर अंदर जाएगी अगर ये बंद रहेंगे तो नहीं जाएगी दैट इज़ द वॉल देन डीज स्पाइरेकल्स ओपन इन इन साइड इन द ट्रैकिया और विंड पाइप यहाँ पर ट्रैकिया या विंड पाइप प्रेजेंट है विच कनेक्ट विच आर कनेक्टेड टू द होल बॉडी टिश्यूज़ सारी बॉडी तक बॉडी के टिश्यूज़ तक गैसियस एक्सचेंज हो जाता है थ्रू द ट्रैकिया एंड विन पाइप इनमें कोई लंग्स वगैरह नहीं होते एज एज इन हमारे में प्रेजेंट होते हैं देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पर जो भी मसल्स प्रेजेंट हैं विच आर टर्गोस्टर्नल मसल्स टर्गो स्टर्नल मसल्स एंड एबडोमिनल मसल्स इन सब का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है ताकि एयर अंदर आती रहे विंड पाइप में ट्रैकिया में जाती रहे और पूरी बॉडी पार्ट्स को पहुँचती रहे राइट right, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन ऑफ़ द कॉकरोच। नाउ लेट मूव फर्दर टू द सर्क्युलेट्री सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। तो सर्क्युलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड वाले सिस्टम की हम बात करने वाले सो हेयर वी हैव द वेल लेबल डायग्राम ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच यहाँ पर हमें दिख रहा है अब अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच की सो इट इज़ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप मतलब इसमें कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड फ्लो करे ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है सो so, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर ब्लड पूरी बॉडी में एक एक जैसा ये पड़ा हुआ है एक तरीके से राइट दे इट इज़ नॉट पम्प्ड पंप नहीं हो रहा किसी भी ट्यूब में किसी भी पाइप में किसी भी आर्टरी आर्ट्रीवेन कोई आर्टरी आल्ट्रीवन नहीं है यहाँ पर राइट right, पूरे में ब्लड है बस पूरे में ब्लड फैला हुआ है और उधर से ही सारे टिश्यूज जो है सिंपली उधर तक न्यूट्रिएंट्स है जो भी पहुँचना है वो पहुँच रहा है तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस ड्यू टू दी एबसेंस ऑफ दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट सो दे आर द ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ पहले भी बताया मैंने इसमें हीमोलिम्फ बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एबसेंट है कोई हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें कुछ नहीं है देन अगर मैं इसका एक्सोस्केलेटन यानी कि स्क्लेराइट्स हटा करके देखूं तो मुझे पूरी ब्लड फिल्ड कैविटी दिखेगी जिसको मैं हीमोसील बोलूंगी राइट दिस पूरी ब्लड फिल्ड कैविटी इज नोन एज हीमोसील प्लस दिस हीमोसील कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री चैम्बर्स कौन से तीन चैम्बर्स सबसे पहले तो ये डॉटसल चैम्बर हमारे पास आ गया pericardial sinus then the middle chamber which is perivisceral sinus and at last the ventral chamber which is perivisceral sinus right abhi ye divided kaise hain there is presence of a diaphragm dorsal diaphragm yahan par ye dorsal diaphragm present होता है और यहाँ पर ventral diaphragm present होता है तो डोर्सल डायाफ्राम के ऊपर का सारा स्पेस जो है पेरिकार्डियल साइनस बोला जाता है वेंट्रल साइनस वेंट्रल डायाफ्राम के नीचे का सारा स्पेस को पेरीन्यूरल साइनस बोला जाता है और इन दोनों डायाफ्राम के बीच का सारा स्पेस पेरीविसरल साइनस बोला जाता है राइट तो अगर मैं बात करूं पेरिकार्डियल साइनस की तो पेरिकार्डियल साइनस में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ थर्टीन चेंबर्ड हार्ट यानी कि जो हार्ट दिख रहा है थर्टीन चैम्बर्स हैं इसमें राइट प्रीविसरल पेरीविसरल साइनस में यहाँ पर सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड पेरी न्यूरल साइनस में देर इज द प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड डबल नर्व कॉर्ड इसकी भी बात कर लेते हैं अभी सो इन द पेरी न्यूरल साइनस देयर इज अ डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड विच इज प्रेजेंट एक्सटेंडेड राइट ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो डबल है दो होंगी और सॉलिड है अंदर से पूरा भरा हुआ है सॉलिड है देन हेयर द थर्टीन चैम्बर्ड हार्ट इट इज अटैचड विद द वॉल ऑफ पेरीकार्डियल साइनस यहाँ इस वॉल से अटैचड है थ्रू सम मसल्स विच आर ट्वेल्व पेयर ऑफ एलरी मसल्स एलरी मसल्स से ये जुड़ा हुआ है टू द वॉल ऑफ पेरीगार्डियल साइनस ठीक है हार्ट को पकड़ के रखा हुआ है इन एलरी मसल्स ने देन अगर मैं बात करूं हार्ट की तो एवरी चेंबर ईच चें हैव अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ दो हैं एक साइड एक उस साइड पेयर ऑफ ऑस्टिया राइट विच आर प्रेजेंट एंड आर गार्डेड बाई यूनी डायरेक्शनल वॉल्व यानी कि इसमें भी वॉल्व लगी हुई है खुलेंगे तो ब्लड बाहर आएगा बंद होंगे तो बाहर नहीं आएगा वॉल्व लगी हुई है यूनी डायरेक्शनल वॉल्व टू प्रीवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ब्लड वापिस नहीं आना चाहिए इसके अंदर देन ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ द हार्ट चेंबर्स द ब्लड पासिस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कम टू द हेड रीजन बाय एंटीरियर एओटा एंड देन इट्स सर्कुलेट्स इन द ये एरो लगाओ ना इट्स सर्कुलेट इन देरी विसरल एंड पेरी न्यूरल साइनसेस यहाँ पर पूरा ब्लड फ्लो करता है पूरा एक तरीके से ब्लड फैला हुआ है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द काकरोच नाउ लेट मूव फर्दर टू द नर्वस सिस्टम ऑफ द काक्रोच नाउ लेटेस्ट कम टू द न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ प्रेजेंट इन साइड द थॉरिक्स एंड एबडोमन यानी कि अगर मैं मतलब हेड में कोई भी नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रजेंट नहीं है तो वो सुना है ना कॉकरोच कैन बी कैन सर्वाइव विद अ कट हैड अगर उसका हेड काट भी दिया जाए तो भी सर्वाइव कर जाता है कॉकरोच टिल अ वीक तो हेड काट दिया तो भी कोई बात नहीं है क्यों क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरा हेड और सॉरी थोरैक्स एंड एबडामन में प्रेजेंट है राइट right? तो अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूँ इट इज़ कम्पोज ऑफ अ नर्व रिंग एंड अ नर्व कॉर्ड द नर्व रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सरकम ईसोफेजियल रिंग क्योंकि ईसोफेगस के चारों तरफ होती है ये सरकम ईसोफेजियल रिंग इसको सर्कम ईसोफेजियल रिंग भी बोलते हैं देन इट हैव टू पेयर ऑफ गैंगलियन गैंगलियन क्या होता है जहाँ पर नर्व कॉर्ड्स, नर्व फाइबर्स जो हैं एक टफ्ट बना लेते हैं बंच बना लेते हैं ये बने हुए ना राइट right, ये गैंगलियन है दे हैव टू पेयर ऑफ गैंगलिया दैट आर सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियन एंड सब ईसोफेजियल गैंगलियन ऊपर वाला पेयर सुपरा ईसोफेजियल गैंगलियन और नीचे वाला पेयर है हमारा सब ईसोफेजियल गैंगलियन

गैंगलियन uh, प्रेजेंट है जिसमें से तीन थोरैकिक रीजन में और बाकी के एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट हैं राइट right? तो ये हमारा हो गया इसी के साथ नर्वस सिस्टम ओवर नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सो हेयर इज़ अवेलेबल डाइग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हमें ये सेगमेंट्स दिख रही हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्सथ सेवंथ एट्थ नाइन्थ एंड द टेंथ एबडोमिनल सेगमेंट अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेल कॉकरोच में वन पेयर लोब्ड टेस्टीज आर प्रेजेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम फिफ्थ फोर्थ टू सिक्स सेगमेंट फोर्थ सेगमेंट टू सिक्स सेगमेंट द टेस्टीज़ आर प्रेजेंट और अगर मैं इस टेस्टीज़ को खोल के देखूँ तो इसमें जो एपिथीलियम होगी जर्मिनल एपीथीलीम इट प्रोड्यूसिस द स्पर्म्स राइट देन दीज स्पर्म्स कैसे आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं हर टेस्टीज के पोस्टीरियर साइड से एक ट्यूबलेक्स स्ट्रक्चर -like निकल रहा है दैट इज नोन एज वास डेफरेंस विच इज़ मेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स यहाँ से स्पर्म्स निकलेंगे एंड दे विल भी ट्रांसपोर्टेड राइट देन देर आर प्रेजेंट टू ग्लैंड्स एक एक करके बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट अबव द जंक्शन ऑफ वास डेफरेंस इज कॉल्ड यूट्रिक्युलर ग्लैंड और द मशरूम ग्लैंड ये जो प्रेजेंट है ये है हमारा यूट्रिकुलर और मशरूम ग्लैंड विच हैव थ्री पार्ट्स थ्री पार्ट्स कौन से कौन से हैं फर्स्ट इज लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हेयर वी आर हैविंग द थ्री पार्ट्स लॉन्ग ट्यूब्यूल शॉर्ट ट्यूब्यूल एंड सेमिनल वेसिकल अगर मैं इसकी बात करूं तो लॉन्ग ट्यूब्यूल फॉर्म द कवरिंग ऑफ दिस परमेटो फर्स्ट कवरिंग ऑफ दिस स्परमेटो इज़ फॉर्म्ड बाई लॉन्ग ट्यूब्यूल देन दिस शॉर्ट ट्यूब्यूल दे आर हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन एंड देन द सेमिनल वेसिकल दे कैन द सेमिनल वेसिकल कैन स्टोर द स्पर्म्स एज स्पर्मेटो फोर राइट तो स्पर्मेटो फोर की फॉर्म में ही स्पर्म्स स्टोर होते हैं और फर्स्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटो फोर जो फॉर्म करता है वह है लॉन्ग ट्यूब्यूल राइट नाउ लेटस मूव फर्दर देन देयर इज द फैलिक ग्लैंड इसी के ऊपर एक फेलिक ग्लैंड प्रेजेंट है द थर्ड लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाय फैलिक ग्लैंड बट उससे पहले सेकेंड लेयर कौन फॉर्म करेगा इसी के नीचे से स्टार्ट होती है हमारी इजैक्युलेट्री डक्ट यही इजैक्युलेट्री डक्ट जो है ये सेकेंड कवरिंग फॉर्म करती है एंड देन द थर्ड कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय फैलिक ग्लैंड द सिक्रीशंस ऑफ फेलिक ग्लैंड स्पर्मेटोफोर की थर्ड कवरिंग फेलिक ग्लैंड ने बनाई पहली पहली किसने बनाई लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ द मशरूम ग्लैंड ने पहली कवरिंग बनाई ऑफ द स्पर्मेटोफोर सेकेंड कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय द इजेकुलेटरी डक्ट सिक्रीशंस ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट एंड थर्ड कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर इज फॉर्म्ड बाय फैलिक ग्लैंड तो ये थर्ड इसकी कवरिंग बनाता है देन अस कम फर्दर आगे क्या होगा यहां पर थ्री काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट हैं द थ्री काइटिनस प्लेट्स आर प्रेजेंट विच आर नोन एज फेलोमियर्स राइट ये फेलोमियर्स प्रेजेंट हैं एंड दे एक्ट एज कॉप्यूलेटरी ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच ठीक है, है? उससे पहले ये जेनाइटल पोर प्रेजेंट है जहां से स्पर्म्स परमेटोफोर की फॉर्म में बाहर आने वाले हैं और ये हमारा कॉपुलेट्री ऑर्गन हो गया विच विल हेल्प इन सेक्स राइट सो थ्री फैलोमियर्स आर प्रेजेंट लेफ्ट फेलोमियर राइट फेलोमियर एंड द वेंट्रल फेलोमियर जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है इनकी पोजिशनिंग इस तरीके से है लेफ्ट फेलोमियर इज द लार्जेस्ट फेलोमियर विच हेल्प इन कॉपुलेशन एंड हैव सुडो पेनिस सूडो पेनिस मतलब फॉल्स uh, पेनिस एक तरीके से बोल सकते हैं जो पेनिस की तरह दिखेगा राइट right. इट इज़ द स्मॉलेस्ट राइट फेलोमियर इज स्मॉलेस्ट एंड द वेंट्रल फेलोमियर विच इज प्रेजेंट विद ठीक है टीटी लेटर इट इज ऑल्सो अ पार्ट आगे चलते हैं हेयर वी कम एट द फीमेल जेनाइटल सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा है ये हमारी सारी सेगमेंट्स हैं डोमिन की सेगमेंट्स हैं हेयर वी कैन सी अ पेयर ऑफ ओवरीज दिस इज द ओवरी अ पेयर ऑफ ओवरीज विच हैव ओवेरियोल्स ईच ओवरी कैन हैव एट ओवेरियोल्स ईच ओवेरियोल प्रोड्यूस वन एग यानी कि यहाँ पर फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स एक टाइम में फॉर्म हो सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्स कैन टेक प्लेस देन कम्स द ओविडक्ट राइट ओविडक्ट एंड लेफ्ट ओविडक्ट विच विल ट्रांसपोर्ट द ओवम देन उसके बाद आता है हमारे पास एक पेयर ऑफ सैक लाइक स्पर्माथिका दैट इज प्रेजेंट स्पर्मा थीका ये विच इज़ प्रेजेंट हेयर एंड इट विल रिसीव द स्पर्म्स तो ये रिसीविंग ऑर्गन है स्पर्म्स रिसीव करने के काम आएगा कॉपुलेशन के टाइम पे जब सेक्स होगा तो स्पर्म्स यहीं पर रिसीव होंगे राइट right? ऑल्सो हेयर वी कैन सी द जेनाइटल चेम्बर जेनाइटल पाउच एंड ऊथिकल चेम्बर जो ओवम है फिर यहीं आने वाले हैं यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा राइट यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा कवरिंग बनेगी एग पे ऊ थकल और एग्ज ले कर देगी फीमेल कॉकरोच एग्स ले करती है फीमेल कॉकरोच और उसकी फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट इट इज़ ओवीपेरस इन नेचर एग्ज रिलीज करेगी राइट right. तो अगर मैं कॉपुलेशन की बात करूँ द स्पर्म्स ऑफ मेल कॉकरोच आर ट्रांसफर्ड इन द स्पर्मा थीका ऑफ फीमेल एंड आर फर्टिलाइज विद द एग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग्स आर कवर्ड इन अ पर्स लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ऊ राइट देन दीज फर्टिलाइज्ड एग्स आर रिलीज्ड इन अ डार्क प्लेस बहुत डार्क प्लेस में ये रिलीज कर देती है एग्स ले कर देती है देन हैच होते हैं और उसमें से विंगलेस लार्वा प्रोड्यूस होते हैं विच आर नोन एज निम्फ विच आर नोन एज निम्फ राइट और उनकी थर्टीन मोल्टिंग्स होती हैं थर्टीन मोल्टिंग्स मतलब वो अपने एग्जोस्केलेटन थर्टीन टाइम्स चेंज करते हैं एंड देन दे आर डेवलप्ड इनटू एडल्ट कॉकरोचेस सो दिस इज नोन एज मेटामोर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस मतलब जिससे पूरी डेवलपमेंट हो रही है मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इसे राइट तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर विच वॉज ऑन द मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ कॉकरोच इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हमारे साथ जुड़े रहें फॉर फर्दर अपडेट्स राइट थैंक यू